बैठक आ रहे हैं। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, लोकेश कनकराज, लोकेश कनकराज, ये नाम दिन प्रतिदिन काफी बड़ा होता जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बंदा कमल हसन जैसे बड़े एक्टर का कमबैक कराता है। एक टाइम था जब इसने 40,000 की शॉर्ट फिल्म बनाई थी एंड इंडस्ट्री में एंट्री की थी, एंड एक दिन आज का जब बंदा ना भाई 600 करोड़ तक कलेक्शन करने वाले मूवी इंडस्ट्री को दे रहा है। इसने हॉलीवुड को कड़ी टक्कर देने वाला यूनिवर्स इसने बना दिया है। आप सभी को पता होगा एलसी यूनिवर्स आज कितना बड़ा हो चुका है। एंड बहुत टाइम पहले ही लोकेश ने इस यूनिवर्स के छोटे छोटे पॉइंट्स सोचकर कुछ जहां कोई नहीं सोच सकता ना, वैसा यूनिवर्स को बनाया, ऐसा विजन रखा है। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लोकेश की जर्नी, इनके एलसीयू के विजन को लेकर, एंड लोकेश कनकराज ने सिर्फ 5 मूवी बनाई है एंड कैसे इनका नाम इंडिया के टॉप डायरेक्टरों की लिस्ट में आता है भाई। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी मजा आने वाला है, वीडियो में काफी मेहनत भी लगी है हमारी भाई, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। लोकेश कनकराज जो है ना भाई, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं एंड बचपन से इन्हें फिल्में वगैरह देखने का काफी ज्यादा शौक था। एक अच्छे स्टूडेंट होने के कारण इन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, बट भाई का सपना तो कुछ और ही था, भाई का पैशन अलग था। इसके कारण इन्होंने अपनी जेब से 40,000 लगाकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि फेमस डायरेक्टर कार्तिक सुभराज की नजर में आ गई। लोकेश को पहली मूवी मिली 2017 में एंड मूवी का नाम था मानाग्रम। इस मूवी को लिखा एंड डायरेक्ट किया लोकेश कनकराज ने ही था। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था एंड इसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया भाई। इस मूवी की स्टोरी ना काफी यूनिक थी। मूवी के अंदर 3-4 स्टोरी थी जो एंड में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है भाई। एंड भाई जो अलग अलग भसड़ थी मूवी के अंदर और जो कमाल की एंडिंग थी, इसी कारण लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया। इसके बाद लोकेश कनकराज को अगली मूवी मिलती है जिसका नाम था कैथी। एंड ये मूवी ना लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एलसीयू की पहली मूवी थी। इस मूवी का बजट था 25 करोड़ एंड इसने कलेक्शन 106 करोड़ का किया था। इसके बाद लोकेश कनकराज इंडस्ट्री को एक ऐसी मूवी देने वाले थे जिसके कारण उनका नाम टॉप डायरेक्टरों की लिस्ट में आने वाला था एंड मूवी का नाम था मास्टर। जी हाँ, थलापति विजय के साथ इन्होंने मूवी की थी एंड इस मूवी का जो बजट था वो था 135 करोड़ का एंड इस मूवी ने कलेक्शन किया था 300 करोड़ का। पर इसके बाद लोकेश कनकराज की विक्रम मूवी रिलीज होती है एंड भाई इस मूवी के रिलीज होते ही ना भाई बूम हो जाता है। तो सूर्या का इसमें कैमियो था, अनिरुद्ध का इसमें पावरफुल म्यूजिक था एंड जो दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी थी, डार्क थीम था और जो हॉलीवुड स्टाइल एक्शन थे ना भाई, उसी के कारण भाई मूवी मैंने 7 से 8 बार देखी हुई है। अभी तक मुझे मूवी याद है, इतनी बेस्ट मूवी थी एंड ये मूवी एलसीयू की दूसरी मूवी थी। यहां तक कि इसी मूवी ने कमल हसन सर का कमबैक तक कराया है। एक टाइम था जब कमल हसन सर ने बैक टू बैक फ्लॉप्स दे दी थी जैसे उत्तम विलन, पापनाशम, तुंगम वरन एंड विश्वरूपम 2। भाई इन सब के पिटने के बाद लोकेश कनकराज जिनके फैन थे यानी कमल हसन सर, उन्होंने भाई एक्टिंग क्विट तक कर दी थी। लेकिन लोकी जो कि इन्हें के फैन बॉय थे, उन्होंने इस मूवी से इनका कमबैक करा भाई साहब। भाई विक्रम मूवी का जो बजट था वो था 120 करोड़ का एंड इसने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ कमाए। एंड लियो के बारे में तो शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं भाई। एक टाइम था जब मूवी के हिट होने से सिर्फ एक्टर को ही पहचान मिलती थी, बट अब टाइम अलग है भाई। आज डायरेक्टर के नाम से तक मूवी बिकती है। एग्जांपल के लिए भाई संदीप रेड्डी वंगा ले लो भाई, तुम प्रशांत नील ले लो, एसएस राजमौली ले लो, नीतीश तिवारी ले लो एंड आज के टाइम पे लोकेश कनकराज ले लो। लियो मूवी की हाइप जितनी थलापति विजय के कारण थी ना भाई, उससे कहीं ज्यादा लोकेश कनकराज सर के कारण भी थी। अब बात कर लेते हैं एलसीयू के बारे में। एलसीयू मतलब लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में 3 मूवी आती है जिनमें से एक है कैथी, एक है विक्रम एंड एक है लियो। इन तीनों बड़ी मूवीज के कारण एलसीयू काफी बड़ा हो चुका है एंड इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है कैथी 2, विक्रम 2 एंड रोलेक्स।
भाई साहब, इन मूवीज की हर दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खबर आती रहती है, जिसके कारण भाई पब्लिक पागलों की तरह इनका वेट करती है। लोकेश कनकराज ने बोल दिया है कि वो अपनी लाइफ में अब सिर्फ 10 मूवीज और बनाएंगे। भाई इससे पता चलता है कि लोकेश कनकराज कितने बेस्ट डायरेक्टर है। मतलब बॉलीवुड के कई डायरेक्टर को देख लो भाई, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कितनी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर पब्लिक को उनसे क्या चाहिए, उनको बस मूवी बनानी है, बस फेंकनी है। चाहे मूवी हिट हो तो ठीक, मूवी फ्लॉप हो तो ठीक, बट लोकेश कनकराज का मानना कुछ और है। पर लोकेश कनकराज कुछ ऐसी मूवी बनाते हैं, इस लेवल की क्रिएटिविटी करते हैं कि पब्लिक ने अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हो, एंड भाई पब्लिक ने ये तक एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि मूवी में भी ऐसा कुछ हो सकता है भाई। एंड जो बिल्कुल सच है भाई, लोकेश कनकराज हर बार कुछ नया करते हैं, एंड इसी के कारण लोकेश कनकराज ने मूवीज में ऐसे लिमिट सेट कर दी है। उनका मानना ये है कि इससे ज्यादा अगर वो मूवी बनाएंगे तो ना ही उनका इंटरेस्ट रहेगा मूवी बनाने में और ना ही पब्लिक का इंटरेस्ट रहेगा मूवी देखने में। इसलिए भाई इन्होंने काफी सही काम किया। कम दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन काफी यूनिक दिखाओ, काफी बढ़िया दिखाओ। कैरी 2 से पहले लोकेश कनकराज रजनीकांत के साथ थलाइवा 171 बनाने वाले हैं, जो कि इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होगी। एंड तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या कुछ होगा इस मूवी में एंड कितना कलेक्शन ये मूवी कर पाएगी भाई। तो भाई लोकेश कनकराज एक यंग डायरेक्टर है जिन्होंने कड़ी मेहनत के कारण काफी कम टाइम में काफी बड़ा नाम बना लिया भाई। आज एक्टर इनके साथ काम करने में मतलब बिल्कुल लाइन में खड़े होते हैं। एंड भाई लोकेश कनकराज के इस यूनिवर्स एलसीयू की जो आखिरी मूवी होगी वो होगी भाई शायद से रोलेक्स, क्योंकि हम सबको पता है रोलेक्स की पूरी लाइफ पर भी ये मूवी बनने वाली है। एंड भाई वो जो रोलेक्स है ना, वो कितना बड़ा विलन है भाई। पूरे 27 साल लग गए उसको साम्राज्य बनाने में, एंड वो कितना कट्टर है, कितना पावरफुल है, वो भी हम सभी को पता है। इसलिए भाई जो एजेंट विक्रम है वो पूरी टीम बना रहा है रोलेक्स से लड़ने के लिए, जैसे कि लियो दास हो गए, जैसे कि भाई अपना दिली हो गया, अमर हो गया, एंड ब्लैक स्क्वाड की पूरी टीम हो गई और खुद ईगल विक्रम भाई, ये सब पूरी फोर्स बनाएंगे जिन्होंने कि रोलेक्स का कोई ना कोई नुकसान कर रखा है। एंड आखिर के अंदर ये सब भिड़ जाएंगे एंड वो शायद एलसीयू की लास्ट मूवी होगी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यही शायद लोकेश कनकराज का विजन होगा। तो भाई ये थी लोकेश कनकराज सर की स्टोरी एंड उनके एलसीयू के विजन को लेकर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके बाय भाई लोग।